हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग आज के इस वीडियो में गैस लीक और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने समय समय पर न्यूज में लगातार आप सुने होंगे कि पहले भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, फिर उसके बाद से दिल्ली के तुगलकाबाद में, फिर कर्नाटका में क्लोरीन गैस की लीक, फिर एचपीसीएल में गैस की लीक, फिर कानपुर में अमोनिया गैस की लीक, सिमिलरली स्टील अथॉरिटी और इसी तरीके से नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जहां पर गैस लीक की घटना लगातार होती रहती है। अभी रिसेंट में लखनऊ में एक गैस लीक हुई थी जिसके कारण से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि उसको काफी हद तक बचा लिया गया था, बट स्टिल बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी। इसी सिलसिले में आज भी आपने देखा होगा वीडियो में, आज भी आपने न्यूज चैनल्स में देखे होंगे किस इसी तरीके की विशाखापट्टनम में एक और गैस लीक आ गई है। तो हम लोग बात करेंगे इसी गैस लीक के बारे में और क्या कुछ है हमारे इस कंटेंट में, सब कुछ देखेंगे, लेकिन वो एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ होगा। तो इस तरीके की न्यूज आपने मॉर्निंग में देखी होगी जहां पर वाइजैक केमिकल गैस लीक लाइव अपडेट्स और इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। और यही हमारे आज का टॉपिक है, दैट इज वाइजैक गैस लीक के बारे में। स्टार्ट करते हैं पहले कुछ न्यूज को लेकर के। एटलीस्ट 6 पर्सन आर डेड एंड 100 सिक आफ्टर पॉइजनस गैस लीक फ्रॉम द एलजी पॉलीमर प्लांट एट गोपालपत्तनम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापत्तनम। वर्कर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द री ओपनिंग ऑफ प्लांट टूडे वेन गैस स्टार्टेड लीकिंग इन द अर्ली आवर्स। तो ये पूरी घटना जो हुई थी वो रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में है जहां पर इस तरीके की गैस लीक हो जाती है। हम लोग आगे बात करेंगे कि ये गैस कौन सी है और ये गैस कैसे लीक हुई और इसके कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगर हम इवेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि एलजी पॉलीमर क्या है और किस पर काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड द एलजी पॉलीमर वर एस्टैब्लिश्ड इन 1961 एज हिंदुस्तान पॉलीमर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉलीस्टायरीन एंड इट्स को पॉलीमर इन वाइजैग। तो ये कंपनी बेसिकली पॉलीस्टायरीन रिलेटेड पॉलीमर्स बना रही होती है जिसका यूज अलग अलग अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन या इस तरीके की चीजें बनाने में किए जाते हैं। अगर हम लोग बेसिकली पॉलीस्टायरीन के बारे में बात करें तो पॉलीस्टायरीन के कुछ बेसिक्स जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इवेंट को समझने के लिए। पॉलीस्टायरीन इज अ सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर मेड फ्रॉम द मोनोमर नोन एज स्टायरीन। तो ये एक बेसिकली बेंजीन का कंपाउंड होता है जहां पर मोनोमर के सहारे पॉलीमराइज करा के इसको पॉलीस्टायरीन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। द पॉलीस्टायरीन कैन बी सॉलिड और फोम्ड। तो या तो ये फोम के फॉर्मेट में हो सकता है या जिसको सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं और दूसरा सॉलिड हो सकती है। जनरल पर्पस पॉलीस्टायरीन इज क्लियर, हार्ड एंड रादर ब्रिटल। इट इज एन इनएक्सपेंसिव रेजिन पर यूनिट वेट एंड दैट इज व्हाई पॉलीस्टायरीन इज वेरी फेमस इन आवर इंडियन मार्केट। इट इज अ रादर पुअर बैरियर टू ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर एंड हैज अ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। पॉलीस्टायरीन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लास्टिक, द स्केल ऑफ इट्स प्रोडक्शन बीइंग सेवरल मिलियन टन्स पर ईयर। और इसी का यूज हम लोग अपने होम अप्लायंसेस वगैरह में कर रहे होते हैं। कुछ और अगर बात करें इसमें तो एज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पॉलीस्टायरीन इज इन अ सॉलिड और ग्लासी स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो मटेरियल होता है वो छोटे छोटे रॉ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है जो सॉलिड फॉर्मेट में होता है। इसको हाई टेम्परेचर पे पिघला करके, इसको मेल्ट करके तब इसकी मिक्सिंग की जाती है और इसको एक शेप दे करके इसको होम अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग सेट कर लिया जाता है। कूल करने के बाद से वापस अपने सॉलिड स्टेट में आ जाती है और सॉलिड स्टेट में आने के बाद फिर इसको जिस भी सिस्टम में इनबिल्ट करना होता है उस सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया जाता है। अगर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टायरीन के बारे में देखें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सॉलिड होता है ये और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो पॉलीस्टायरीन रिजल्ट्स व्हेन स्टायरीन मोनोमर इंटरकनेक्ट। तो बेसिकली ये एक बेंजीन कंपाउंड होता है और बेंजीन कंपाउंड ही अल्टीमेटली अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। अबाउट अ फ्यू थाउजेंड मोनोमर टिपिकली कंप्राइज अ चेन ऑफ पॉलीस्टायरीन
गिविंग अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 1 लाख टू 4 लाख ग्राम पर मोल। अगर इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसकी केमिकल रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टायरीन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है या बेंजीन कंपाउंड है, पॉलीमराइज होकर के वो इस तरीके से रिएक्शन दे रही होती है। एज पार्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कई सारी गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, जिसके लिए अलग अलग वेंट बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रोसेसिंग हो जाती है। इससे क्या होती है कि प्लांट में जो भी गैस रिलीज हो रही होती है वो आफ्टर प्रोसेसिंग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जा रही होती है। लेकिन इन सारे प्लांट को अपना एक सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना होता है और वो सेफ्टी मेजर्स हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये उठ जाता है कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, यानी कि मोनोमर से जो पॉलीमर बन रहा है इस दौरान में गैस कौन सी रिलीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री यहां पर स्टायरीन गैस रिलीज हो रही होती है जो ज्यादा हार्मफुल तो नहीं होती है, लेकिन हां अगर इसको कोई ज्यादा स्मेल कर ले, कोई ज्यादा कंज्यूम कर ले तो उसको एनेस्थेटिक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो इरिटेशन ऑफ स्किन, आईज एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लॉन्ग एक्सपोजर कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। तो दीज आर सम ऑफ द रिपरकशंस बिकॉज ऑफ स्टायरीन। और यही बेसिक स्टायरीन हमें जनरली देखने को मिल रही होती है, जहां पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, रैशेस वगैरह आ जाते हैं, या फिर आंखों में जलन हो जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और लास्ट में अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, या अधिक से अधिक डेथ भी हो सकती है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी एस्थमेटिक कंडीशन कैसी है। और इसी कारण से अभी आज जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज किए गए हैं उसमें मैक्सिमम लोग वेंटिलेटर पे हैं, जिन्होंने भी ज्यादा अमाउंट में गैस को कंज्यूम कर लिया। यहां पर अगर देखें कि गलती किसकी है, तो देखिए गलती क्या है ये डिपेंड करता है टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे काफी दिनों बाद लॉकडाउन के बाद कंपनी ओपन हुई है जहां पर हमारे ऑलरेडी रॉ मटेरियल रखे हुए थे, सेफ्टी मेजर्स की जरूरत थी, बट थोड़ी सी इग्नोरेंस यहां पर हो सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन जैसा भी होगा उसके बारे में तो हमें देखना होगा, लेकिन हमारा मेन कंसर्न होगा हमारे सेफ्टी मेजर्स पे कि हमारी सेफ्टी मेजर्स क्या है, दैट इज ओनली आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगर इस स्टायरीन के बारे में बात करें कि क्या ये डेंजरस है, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज लाइक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीस्टायरीन इज ऑल्सो इनफ्लेमेबल। पॉलीस्टायरीन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू B3 प्रोडक्ट, मीनिंग इट इज हाईली इनफ्लेमेबल और इजिली इग्नाइट किया जा सकता है इसे। एज ए कॉन्सिक्वेंस, ऑल्दो इट इज एन इफिशियंट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड इन एनी एक्सपोज्ड इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हालांकि ये इंसुलेटर का काम जरूर करता है, लेकिन ऐसी जगहों पर इसे बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है जहां पर फायर कंडीशंस पॉसिबल हो। इसका इफेक्ट हमें जर्मनी के एक एयरपोर्ट में भी देखने का मिला था, डसलडॉर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पर पॉलीस्टायरीन के कारण से आग पकड़ लिया था। दिस फोम्ड पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक मटेरियल हैव बीन एक्सीडेंटली इग्नाइटेड एंड कॉज्ड ह्यूज फायर एंड लॉसेस ऑफ लाइफ। तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम लोग एक सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें। वो सेफ्टी मेजर्स क्या है, लेट अस डिस्कस। द हजार्ड रिलेटेड टू केमिकल आर अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, रबर, प्लास्टिक एंड अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल हजार्ड टेक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, वेपर, गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स एंड मिस्ट। तो कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से लीक हो सकती है। दे कैन ऑल्सो बी इनहेल, ingested and absorbed into the body. Each chemical carries a different level of hazard and hence there should be different plan for each lab. अलग अलग लैब में देखिए अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है और इसी वजह से कोई एक यूनिवर्सल गाइडलाइन आप नहीं बोल सकते हैं कुछ गाइडलाइन को छोड़ करके। तो अकॉर्डिंग टू द यूज एंड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कंडीशन हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स अलग से अलग अलग प्लान अलग अलग लैब के लिए हमें बना करके रखने होंगे। कुछ टिप्स भी दिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या करना चाहिए अगर कोई इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना है। तो इसमें से कुछ जनरल अगर हम सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखे होंगे कि लैब में हमेशा हर जगह कुछ कुछ दूरी पे फ्लिप चार्ट्स लगे होते हैं। यूज फ्लिप चार्ट्स, साइंस एंड अदर लिटरेचर टू इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स बाय वर्कर्स, प्रिपेयर क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ हैंडलिंग, यूज, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द केमिकल्स। तो ये तरीका बताया जाता है कि कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है।
इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन की एक प्रक्रिया बनाई जाती है जिससे कि अगर कोई गैस लीक भी हो रही होती है तो वो निकल जाए. फॉर दैट प्रॉपर वेंटिलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग सेफ्टी एज एयर क्वालिटी कैन क्विकली बिकम अ कंसर्न. द बेसिक पैरामीटर इज दैट द एग्जॉस्ट सिस्टम शुड बी कैपेबल ऑफ एटलीस्ट 8 to 10 चेंज आउट पर आवर व्हेन द स्पेस इज ऑक्यूपाइड. अपार्ट फ्रॉम जनरल एग्जॉस्ट सिस्टम देयर शुड बी अ 2.5 inch लीनियर फीट ऑफ एग्जॉस्ट हुड स्पेस पर पर्सन फॉर एवरी 2 वर्कर एज पर नेशनल रिसर्च काउंसिल प्रूडेंट प्रैक्टिस. तो ये एक आपको आइडिया लग जाएगा कि वेंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव मेजर भी लेना होता है जहां पर हमें एक हुड जैसा एक वेंट जैसा अलग से बना के रखना होता है जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती भी है तो उसे हम टैकल कर सके. देयर शुड ऑल्सो बी अ MSDS सिस्टम यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होनी चाहिए और यह हर उस जगह पे और हर उस पर्सन के पास होना चाहिए जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू दैट केमिकल हो रहा है. एंड फॉर दैट ईच हजार्डस केमिकल दैट आर यूज्ड इट इज मैंडेटरी दैट सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड MSDS विथ द केमिकल. MSDS शुड बी केप्ट इन अ क्लियरली आइडेंटिफाइड प्लेस वेयर दे कैन बी इजिली एसेस्ड बाय द एम्प्लॉइज एंड बाय इमरजेंसी सर्विसेज. इसके अलावा एक और चीज कहा गया है कि किस तरीके से इसे क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई रखनी है. फॉर दैट ऑल्सो सेफ्टी मेजर्स जारी किए गए हैं जैसे देयर शुड बी हाई क्वालिटी हाउस कीपिंग विथ फ्रीक्वेंट क्लीनिंग टू कीप हाइजीन लेवल, एब्जॉर्बेंट मैट पैड्स एंड वाइपर्स इन स्पिल प्रोन लोकेशंस आर हेल्पफुल टू अवॉइड एक्सपोजर एंड स्लिपेज. तो ये कुछ मेजर्स दिए गए हैं. इसके अलावा सम और मेजर्स भी लिए गए हैं जैसे डिफाइन स्ट्रिक्ट रूल फॉर वेस्ट डिस्पोजल, रिमूव वेस्ट फ्रॉम लैब टू अ सेंट्रल स्टोरेज और इस वेस्ट का प्रॉपर प्रोसेसिंग करने के बाद ही इसे कहीं पर निकाला जा सकता है और इसलिए एक डिस्पोजल प्रोसीजर भी फॉलो किया जा रहा होता है. डिजाइन द वर्क एरियाज विद प्रॉपर स्टोरेज स्पेस एंड वर्क स्पेस. वर्क एरियाज नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड विद सफिशियंट स्पेस टू अवॉइड क्लस्टरिंग विथ सेपरेट असाइंड एरियाज फॉर ईच प्रोसेस टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ कंपैटिबल केमिकल्स. इसके अलावा एक स्टोर रूम भी रखना होता है जहां पर हाई लेवल ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी यही मेजर एलिमेंट होते हैं उस केमिकल सेफ्टी के लिए. इट हैज टू बी वेल मैनेज्ड विद प्रॉपर इन्वेंटरी सिस्टम विथ डिलीजेंट चेक ऑन टेम्परेचर कंडीशन स्पेस लेवलिंग एंड ऑल दैट. क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो मोनोमर है अगर वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या एक टेम्परेचर उसके अराउंड का टेम्परेचर भी अगर वो पा जाता है तो वो अपनी पॉलीमराइजेशन की जो भी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर देता है. एज पार्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन गैसेस लीक होना शुरू होंगी और इस तरीके की कंडीशन अगेन बन सकती है जहां पर गैस लीक की प्रॉब्लम हो और सेफ्टी गाइडलाइन को बाईपास करते हुए लीकेज के कारण से काफी ज्यादा एक्सीडेंटल रूप सामने निकल के आ सकता है. Before a chemical enters the factory or work area, define a complete plan for handling, storing and disposing. In certain cases, there need to be established strict rules for access to a certain type of chemical. तो हमें एक पूरा का पूरा एक प्लान बनाना पड़ता है कि कोई भी केमिकल अगर आ रहा है तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी एरिया कहां रखना है, स्टोरिंग क्या होनी है और कैसे उसको डिस्पोज करना है. इसके अलावा इंश्योर ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर इन प्रॉपर कंडीशन. उसके लिए जो भी इंप्लॉइज और वर्कर होंगे उनको प्रॉपरली ट्रेन करना होगा और उनको प्रॉपर सेफ्टी टूल्स भी देने होंगे जिसमें ग्लव्स, ग्लासेस एंड अदर इक्विपमेंट्स भी आ जा रहे होते हैं. कीप अ स्पिल किट रेडी इन वर्क एरियाज टू हेल्प ट्रेन्ड वर्कर कंटेन एंड कंट्रोल स्पिल क्विकली. तो एक अगर इनकेस एक्सीडेंट हो भी जाता है तो एक सेफ्टी गाइडलाइन, एक सेफ्टी टीम जरूर बना के रखनी होगी जो कि तुरंत एक्शन ले सके. इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ चीजें और भी की गई हैं. इन इंडस्ट्रियल लैब वेयर टॉक्सिक मटेरियल्स आर यूज्ड, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, च्युइंगम, अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स और स्टोरिंग यूटेंसिल्स एंड फूड कंटेनर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अनलेस द लैब हैज एन ऑथराइज्ड और क्लियरली मार्क्ड फूड आइटम एरिया. तो इस तरीके की चीजों के लिए हालांकि अलग से लाइसेंस भी लेना होता है लेकिन ये सेफ्टी गाइडलाइन में भी दे रखी गई है और ये सारा का सारा डिफाइन किया गया है उषा के द्वारा जहां पर बोला गया है कि आई वॉश स्टेशन होना चाहिए
ड्रेंच शावर होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर एंड फर्स्ट एड किट हमेशा ही इमरजेंसी कंडीशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने बेसिकली गाइडलाइंस देखी, ये सारी गाइडलाइन हमने देखी है केवल और केवल सेफ्टी के लिए और स्टोर हाउस के पास या फिर कंपनी के एरिया में। लेकिन कंपनी का एरिया ऑब्वियसली एक ऐसे एरिया में भी हो सकता है जहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन रह रही हो, डेंस पॉपुलेशन रह रही हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है और साथ में सेफ्टी गाइडलाइंस टू द पीपल भी निकाल दिए जाते हैं, पब्लिश कर दिए जाते हैं। तो वहां के जो लोग होते हैं उनको पहले से पता होता है और पहले से उनको जानकारी होती है कि क्या कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही जो वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है वो वेलफेयर कमेटी भी लगातार इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते रहती है और लगातार ये चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन किए रहती है कि आखिर में किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं हो रही है। इसके अलावा इन केस ऑफ लीकेज हम लोग अपने एनडीआरएफ टीम को, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को हमेशा तैयार रखते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी फटाफट उस एरिया को वैकेट किया जा सके। तो ये कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस पर्पस हैं जो कि गवर्नमेंट फॉलो कर रही होती है। लेकिन ये केवल और केवल नेशनल लेवल पे नहीं है, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कुछ कन्वेंशन हैं जो सेफ्टी मेजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स को इस तरीके से मैनेज करने की बात कर रहे होते हैं। इसमें एक होती है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इज बेसिकली रिलेटेड विद कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। द कन्वेंशन इज ऑल्सो इंटेंडेड टू मिनिमाइज द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड to ensure their environmentally sound management as closely as possible to the source of generation and to assist LDCs in environmentally sound management of the hazardous and other waste they generate. तो इस तरीके से केमिकल हजार्डस की किस तरीके से डिस्पोजल करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, यह बताया गया इस इंटरनेशनल कन्वेंशन बेसल के अंडर। इसके अलावा एक और रॉटरडम कन्वेंशन है जहां पर केमिकल पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया है। It is a prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. It is a multilateral treaty to promote shared responsibility in relation to importation of hazardous chemicals. तो ये basically कुछ conventions हैं जो chemical handling और safety measure के बारे में बता रहे होते हैं। तो this is the all thing about this today's lecture. आप लोगों को काफी कुछ जानकारी मिला होगा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट अस योर क्वेरी ऑन recognitionis@gmail.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही सर्दी के नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।